बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वेलकम ऑल ऑफ यू इन द प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रिकी बारशत। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एवेपोरेशन। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड का स्पॉन्टेनियस चेंज वेपर्स में क्या कहलाता है? एवेपोरेशन। इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ये कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रोसेस का रेट भी कम होगा, और अगर प्रोसेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रोसेस का रेट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। इसको देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि एवेपोरेशन होती कैसे है। एवेपोरेशन कुछ इस तरह होती है, व्हेन वी सप्लाई द हीट सरफेस मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब हीट। सरफेस के मॉलिक्यूल हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड दे आर टेंड टू मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल आएंगे। इस्केप आउट इनटू गैस वाटर वेपर्स, वो क्या करेंगे? जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के बाद, वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। ये है एवेपोरेशन का प्रोसेस। अब कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे काज करता है? होता ये है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, हाई काइनेटिक एनर्जी वाली मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर कम होने की वजह से कूलिंग जो है वो इफ़ेक्ट काज होता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और सिस्टम का टेम्परेचर क्योंकि कम हो चुका होता है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग इफ़ेक्ट हमें फील होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द रेट बिकम हाई। इफ टेम्परेचर इज हाई द रेट इज आल्सो हाई। ठीक है, सरफेस एरिया हाई होने से कैसे एवेपोरेशन हाई होती है वो देखते हैं। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो लिक्विड जो है वो क्विकली क्या होगा? एवेपोरेट होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया बहुत कम है तो कम मॉलिक्यूल आएंगे और कम मॉलिक्यूल क्या होंगे? स्केप आउट होंगे। यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल ही क्या होंगे? बाहर एवेपोरेट होंगे। तो इट्स मीन इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया वी कैन इंक्रीज एवेपोरेशन, इफ वी डिक्रीज द सरफेस एरिया वी डिक्रीज एवेपोरेशन। देन टेम्परेचर, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज एवेपोरेशन। At high temperature, the molecules having greater energy increase and so the rate of evaporation increase. कैसे होता है कि जब temperature high होगा तो ज़्यादा molecule के पास high energy होगी। वो high energy जो responsible है evaporation के लिए। लेकिन अगर temperature कम है तो temperature कम होने की वजह से क्या होगा कि molecules के पास energy का level बहुत कम होगा। जब एनर्जी का लेवल कम होगा तो एवेपोरेशन भी बहुत कम होगी। आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है सन जो है वो शाइन, सन कम्प्लीटली शाइन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है
ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और एवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा है, जबकि जो राइट साइड पे डायग्राम है उसमें क्लाउडी सा है और क्लाउडी होने की वजह से टेम्परेचर कम है और एवेपोरेशन का रेट भी कम है। ठीक है, इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफ़ दीज फोर्सेस आर वीक द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ फास्टर। होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एवेपोरेशन क्यों कम या ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल ने जब एवेपोरेट करना है तो उन्होंने इन्हीं फोर्सेस को ओवरकम करना है। अगर वो स्ट्रांग है तो ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर वो वीक है तो ओवरकम करने के लिए एनर्जी भी कम रिक्वायर होगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो एवेपोरेशन ईजीली हो जाएगी। हम कंपेयर अगर करें वाटर एंड इथानोल को, तो वाटर में वाटर का एवेपोरेशन रेट जो है इथानोल की निस्बत बहुत कम है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक ही टेम्परेचर पे दोनों को एवेपोरेट करना स्टार्ट कर दें तो दोनों के एवेपोरेशन रेट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर इज सो स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि इथाइल अल्कोहल में इतनी स्ट्रांग नहीं है। वाटर में करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जबकि उसी टेम्परेचर पे इथानोल जो है वो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इजीली ओवरकम करके एवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एवेपोरेशन जो है वो इजीली होती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। ये हमारा एवेपोरेशन का टॉपिक था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। What is vapor pressure? Is a pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid at given temperature. वो pressure जो liquid के vapors liquid की surface पे exert करते हैं equilibrium point पे, उसे कहते हैं vapor pressure. अगेन देखते हैं, इज़ अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। एक बात याद रखनी है, एवेपोरेशन जो है और वेपर प्रेशर, इसमें क्या होगा, एवेपोरेशन के लिए सरफेस ओपन होना ज़रूरी है, जबकि वेपर प्रेशर के लिए सरफेस का क्लोज होना ज़रूरी है। ये एक ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, कोई लिक्विड है, कोई सा भी लिक्विड हम ले सकते हैं, वो एवेपोरेट हो रहा है, हम इसे क्या करें, हीट सप्लाई करें, ये एवेपोरेशन है। सरफेस ऊपर से ओपन है और कॉन्टीन्यूअली एवेपोरेशन हो रही है। ठीक है ना, आपने सरफेस को क्लोज़ नहीं किया, और अब अगर आप सरफेस को क्लोज़ कर देते हैं तो क्या होगा कि जो एवेपोरेशन के लिए जो वेपर्स ऊपर जा रहे थे वो क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे, क्लोज है सरफेस, तो वो सरफेस से हिट करके अगेन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि कंडेंसेशन और एवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल। इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे ये जो वेपर्स इस लिक्विड की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वेपर्स किसी भी लिक्विड की सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये आपको इसमें नज़र भी आ रहा है वो किस तरह अपनी ही सरफेस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास वेपर प्रेशर।